हेलो दोस्तों, मल्टी एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम प्याज के खेती के बारे में बताने वाले हैं। जो ऊसा रेड है प्याज, और बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पौधा बहुत छोटा है और ये बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये पौधा बहुत छोटा है और इसमें प्याज बहुत अच्छे से गोलनुमा बन रहा है। तो दोस्तों, प्याज का खेती इस बार तो थोड़ा सा कठिन रहा है, जटिल रहा है, क्योंकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण साथ नहीं दिया दोस्तों। इसके वजह से प्याज की खेती थोड़ा कठिन है इस बार, क्योंकि पत्थर पड़े थे, ओले पड़े थे, इसके वजह से प्याज की खेती थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। फिर भी प्याज की खेती कुछ हद तक ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे खेत में प्याज पूरी तरह से हरा भरा नहीं दिख रहा है दोस्तों। हरा भरा न दिखने का रीज़न ये भी है दोस्तों कि ये बीच में जो पत्थर पड़े थे, इसकी वजह से ये बहुत ही हानि हुई है दोस्तों। इसकी वजह से बहुत ही हानि हुई है। जैसा कि आप, मैं दिखा रहा हूँ, अभी कल की भराई की गई है, इसमें भराई किया गया पूरी तरह से खेत में, दिखा दे रहा हूँ। घास भी निकाला जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि पत्थर की वजह से कहीं कहीं फट गए हैं प्याज। और दोस्तों, प्याज में ज़्यादा कुछ एक बार निरा देना है। निराने के बाद आपको जिंक और कैल्शियम, इस समय जिस सिचुएशन में है प्याज, उस सिचुएशन पे जिंक और कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अब इस समय ये गोला बना रहा है प्याज, मतलब प्याज बन रहा है, लग रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको जिंक और कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्याज का जो तना होता है वो लंबे समय तक हरा भरा रहेगा, तो नीचे जो फल लगता है वो बड़ी मात्रा में लगेगा और अच्छा और सुडोल रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, प्याज की खेती हमारे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि प्याज आलू कुछ ऐसी खेती है जो बिना किए पार नहीं हो सकता जीवन यापन। तो दोस्तों, मैं ये बताने वाला, इसका बड़े पैमाने भी खेती कर सकते हैं आप। बड़े पैमाने पे खेती करने के लिए आपका पानी का अच्छा साधन होना चाहिए और खेत में कम घास होने चाहिए और खेत समतल होना चाहिए। अच्छी मिट्टी, मुलायम काली मिट्टी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं और बहुत ही नॉर्मली खेती है। और तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।